जब तक आप रणभूमि में उतरे नहीं हैं और जब तक आपने लड़ाई नहीं लड़ी है, तब तक ये मत मानिए कि यहाँ पे सब बेमानी ही होने वाला है। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि इसका मेरिट बहुत हाई जाता है और पेपर इसका बहुत उठपटांग पूछता है, तो ऐसे में पढ़ने की भी जरूरत है और पढ़े बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। कि जो भी ये लिख देते हैं कि 10वीं स्तर और 12वीं स्तर का पूछेंगे, सिर्फ मजाक करते हैं, और कोई तरीका नहीं। आप सोचिए कि कॉन्सेप्ट हम पढ़ के जाएंगे तो कॉन्सेप्ट आधारित कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, अलग अलग एग्जामों से कट कॉपी पेस्ट करते हैं। मेहनत करने के लिए सारे बच्चे तैयार हैं, बशर्ते पेपर को ईमानदारी से करा लीजिए। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस में जो इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, एक ऐतिहासिक वैकेंसी आई है, उसको लेकर छात्रों का बहुत सारा सवाल है। सवाल ये है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद क्या इस बार CSBC बोर्ड, क्या बिहार पुलिस इस बार फेयर एग्जाम करा पाएगी, क्या एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो पाएगा, क्या मेहनती छात्र सफलता ले पाएंगे, और अगर ले पाते हैं तो क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, फिजिकल के ऊपर किस प्रकार से काम करनी चाहिए, और पिछले बहालियों को देखते हुए इस बार छात्रों के लिए क्या संशय पैदा हो सकती है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो चलिए सर से बातें करते हैं और इन सभी सवाल के जवाब जानते हैं। सर, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। सर, सबसे पहला जो सवाल है छात्रों का कि इतनी मेहनत करते हैं सर छात्र, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना, प्रश्न पत्र आउट हो जाना और ट्रांसपेरेंट एग्जाम का बिल्कुल भी ना होना, तो छात्रों के मन में सर बहुत सारी दुविधा चलती रहती है। क्या इतना मेहनत करने का फायदा जब हमारी एग्जाम, हमारा मेहनत किसी काम का नहीं हो, क्या लगता है सर इस बार एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो पाएगा? देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार और करप्शन की बात है तो दुनिया में हर जगह और हर क्षेत्र में है, ऐसा नहीं कि शिक्षा क्षेत्र में या बिहार में या पुलिस भर्ती में ही, हर जगह है। लेकिन हर जगह फेयर भी काम होता है। अगर 100 कोई काम है और उसमें हम 50% भी चोरी माने, 60% भी चोरी माने, तो 40% ईमानदारी से काम होता है। लेकिन जहां तक हम इस भर्तियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके पास भी आते होंगे, हमारे पास भी आते हैं कि सर जो है पिछली बार ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्या सर इसमें तो खाली पैसे से ही होगा? तो मैं छात्रों से कहना चाहूंगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल मत मानिए। जब तक आप रणभूमि में उतरे नहीं हैं और जब तक आपने लड़ाई नहीं लड़ी है, तब तक ये मत मानिए कि यहाँ पे सब बेमानी ही होने वाला है। आप फॉर्म भरे, अच्छे ढंग से फॉर्म भरिए, परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए, फिजिकल पे पूरा का पूरा फोकस कीजिए और आज से ही फिजिकल पे लग जाइए। ये नहीं कि जो है PT का एग्जाम देने के बाद, क्योंकि इसमें सारा मेरिट जो है फिजिकल पे बनना है। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि इसका मेरिट बहुत हाई जाता है और पेपर इसका बहुत उठपटांग पूछता है, तो ऐसे में पढ़ने की भी जरूरत है और पढ़े बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। प्लस हिंदी का पोर्शन भी जुड़ जाता है, तो हिंदी भी आपको पढ़ना है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना जो सुबह और शाम का टाइम फिजिकल पे दे रहे हैं वो दीजिए, और प्लस रिटेन की तैयारी करते हैं। अब लड़के सोच रहे हैं कि क्या हम करें, तो कोशिश करो जितना पेपर सॉल्व कर सकते हो, जितने भी एग्जाम हुए दरोगा से लेकर BPSC सब सॉल्व कर जाओ, रेलवे को सॉल्व कर लो, SSC सॉल्व कर लो, जितना पेपर जो सॉल्व करके जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 2-4 किताब पढ़ के जाएंगे उससे बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर लेंगे, ग्रुप बना लीजिए कहीं भी, तो निश्चित मानिए कि आप सिलेक्शन के दौर तक पहुंच जाएंगे। सर, एक इस बार एक बात और कही गई है कि ये 10वीं लेवल तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि इससे पहले ऐसा देखा जाता था कि 12वीं लेवल के प्रश्न पूछ दिए जाते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या सर आप छात्रों को सलाह देना चाहेंगे कि किस स्तर की पढ़ाई करें? देखिए, एक ही जगह है कि जो भी ये लिख देते हैं कि 10वीं स्तर और 12वीं स्तर का पूछेंगे, सिर्फ मजाक करते हैं। ये सब पूछेंगे सब ग्रेजुएशन स्तर का। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं कि स्कूल स्तर का पूछेंगे। हाई स्कूल स्तर का सिर्फ मैथ होता है, वही पूछा जाता है, बाकी जितना भी आपसे पूछा है, हिंदी भी जो है हाई स्कूल स्तर की है, बाकी जो GK GS होता है वो सब में कॉमन है। बस ये होता है छोटे क्लास में एक लाइन में होता है, बड़े क्लास में पैराग्राफ में होता है। तो ये ना सोचिए कि 10th लेवल का, आप जो तैयारी करते हैं GS के लिए, मैंने आपसे बोल दिया कि जब आप तैयारी करना शुरू ही कर दिए हैं तो आप कोशिश कीजिए जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बैठो, खूब सॉल्व करो, जितना जो सॉल्व करेगा उसके पास खूब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो आपको नहीं आता है बस उसको रट डालिए, और कोई तरीका नहीं। आप सोचिए कि कॉन्सेप्ट हम पढ़ के जाएंगे तो कॉन्सेप्ट आधारित कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, अलग अलग एग्जामों से कट कॉपी पेस्ट करते हैं, ये तो आपके लिए आसान होगा। और 10th और 12th लेवल सोच के मत जाइएगा, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ के जाइएगा। सर, प्रीवियस ईयर कोई काम करेगा? देखिए, प्रीवियस मैंने ये कहा ना कि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है कि वो पुलिस का नहीं, बाकी जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं ना उन सारे एग्जाम को देख के जाइए, एग्जाम की अनियमितताओं को देख। हाँ हाँ, जो अभी जो लेटेस्ट जितने भी सारे एग्जाम हुए उन सारी को 2-3 साल का देख डालिए और उसको सॉल्व कर डालिए। और एक चीज और है, दिमाग में बिल्कुल मत डालिए कि चोरी होने वाली है, ये मान के चले कि ईमानदारी से होगा। अगर चोरी होती है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईमानदारी होगी तो कम से कम आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। चोरी ना हो सर, इसके लिए छात्र और एक शिक्षक क्या डिमांड करेगा? देखिए, अब हम लोग की डिमांड अगर पूरे हो जाते तो हम लोग जरूर करते,
बीपीएससी नो डाउट हम लोग के डिमांड को पूरा कर रही है, इसके लिए शिक्षक भर्ती में बहुत सारे डिमांड पूरे हुए हैं। चुनाव का वर्ष आने वाला है 2024-2025, तो निश्चित रूप से ये चूंकि सिलेक्शन प्रोसेस है टाइम लगेगा ही और सरकार की जो है ये प्राथमिकताओं में एक है। तो छात्रों की तरफ से, सारे टीचरों की तरफ से, देखिए जब पेपर कोई आउट होता है ना तो सिर्फ छात्र ही नहीं टीचर भी हताश होता है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि हमारे बच्चे सिलेक्ट होंगे। और जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनसे एक आत्मीयता हो जाती है, एक पारिवारिक संबंध हो जाते हैं। जब वो लड़का सिलेक्ट होता है तो हमें खुशी होती है, ये नहीं कि वो हमें सैलरी ला के देने वाला है कुछ भी है, खुशी इस बात की होती है कि हमारा बच्चा है, कहीं रास्ते मिलेगा प्रणाम करेगा, हम कहेंगे सर मेरा बच्चा है, वो कहता है कि हम सर क्या पढ़े हैं, तो उसको हम आर्थिक रूप से हटा दें तो एक पारिवारिक संबंध भी हो जाते हैं और काफ़ी लंबे चलते हैं। तो अगर ऐसे में पेपर आउट होता है तो हम लोग को बहुत कष्ट होता है। इसलिए सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप पेपर को जितना टफ चाहे बना लें, आप यूपीएससी के क्वेश्चन डाल लें, लेकिन पेपर को ईमानदारी से करा दें ताकि जो बच्चे बेचारे तैयारी करने जा रहे हैं वो अपना 100% दे के, मेरिट कम जाएगी, उनको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत करने के लिए सारे बच्चे तैयार हैं, बस बशर्ते पेपर को ईमानदारी से करा लीजिए। और एक ज़रूरी चीज़ है कि जो पेपर न देने वाला सिलसिला है इसको ख़त्म किया जाए, बच्चों को पेपर दिया जाए, उसका क्वेश्चन का जो है आंसर बता दिया जाए 1 हफ्ते 10 दिन में, बच्चे अपना मिला लें ताकि एकदम निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की चोरी की फिर संभावना घट जाएगी, बस यही रिक्वेस्ट है। सर एक पिछले एग्जाम की कट ऑफ को देखते हुए कि काफ़ी हाई जाता है, बहुत सारे छात्र बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करके आते हैं, तो इस अकॉर्डिंग सर किस प्रकार से बुक का सिलेक्शन करें, कहीं ना कहीं अगर एक अध्ययन सामग्री के तौर पर बुक का लिस्ट देखें तो वो किस प्रकार का होना चाहिए सर? कौन सा बुक सजेस्ट? मैंने कहा ना कि अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपके पास ना इतना ही टाइम है और ना ही आप बुक पढ़ पाएंगे, तो इसलिए बेहतर यह है कि जो आप बेसिक बुक पढ़ रहे हैं, जैसे बहुत सारे लड़के लूसेंट पढ़ते हैं, पढ़ो बेटा लूसेंट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, वन लाइन क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई क्राउन पढ़ रहा है, कोई स्पीडी पढ़ रहा है, कोई प्लेटफॉर्म किताब पढ़ रहा है, कोई किसी ज्ञानबिंदु रॉय सर का पढ़ रहा है, कोई कौटिल्य, जिसका जो पढ़ रहे हो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, जो आप जिस टीचर का पढ़ रहे हो पढ़ो, रहमान सर का पढ़ो रहमान सर का पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व करो। मैं सारे टीचरों का इसलिए नाम लिया, कोई नाराज नहीं होगा, ठीक है? तो जिसका आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके पास नोट्स है पढ़िए उसको, सब भी नोट्स देखिए, कोई स्पेशल नोट्स कहीं से लेके नहीं आया, ये सारे के सारे नोट्स यहीं की किताबों से कट कॉपी पेस्ट हैं, और कोई ये कह दे कि हम अलग से बनाएं, कोई अलग से नहीं बनाए, चार किताब लेके छाट लेता है, तो सब में मटेरियल लगभग सेम है। जो भी आपके पास है ईमानदारी से पढ़िए और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रमानसु सर थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से तैयारियां करनी चाहिए, और आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।